एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज शिफाली. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एट होम. सो आफ्टर माय बर्थडे हम लोग निकले घर के लिए, क्योंकि दिवाली है यार. घर पे जल्दी जल्दी जा रहे थे और साथ में इस बार अंकित भी था. अंकित कैसे बैठा था छोटी वाली तीनों जना इस बार साथ में तो थे, पर साथ में ही हम लोग को इतना डर लग रहा था क्योंकि 5 मिनट पहले हमारी ट्रेन आने वाली थी. हाँ, हम लोग 2 घंटे पहले निकले थे. इतना गंदा ट्रैफिक में हम लोग फंसे थे ना. जैसे तैसे हम लोग बैग लेके भागे और ट्रेन पकड़े, उसके बाद की तो बात ही अलग है. खेल का हो जाए उठा के पटक दूंगी देखो मैं दिमाग का रहा मैंने देखी वो फोटो, मेरा दिमाग खराब होगा. और इसने कैप्चर कर ली थी वो एकदम एंड टाइम पे. कहाँ पे थे हम लोग? तिरुपति में? नहीं, तिरुपति नहीं, आ रहे थे वापस, जा रहे थे रामेश्वरम. हाँ, रामेश्वरम जा रहे थे. इतनी सड़ी हुई हो मेरी फोटो है, वो तो स्नैपचैट से खींच रहा था. तुम बीच में आके करने लगी दादा मन बोल तेरी भी वीडियो में आ गए करके फोटो. आई डोंट केयर. ठीक डालू ब्लैक कलर ऊपर कौन सा देखा? नहीं, दिवाली के लिए. हाँ, ये वाला एक लखनवी कुर्ता लिए इसके लिए दिवाली के लिए, बहुत प्यारा है. लखनऊ से तो अब कहाँ रिश्ता रहा, लखनऊ से अब कहाँ रिश्ता. किसका? इनका भी. इसका लखनऊ का क्या था? सरजामपुर क्या था? क्या मैं तो ऐसे देखती जैसे बार बार जैसा हमें कट दीवाल में दिल लात. वो दांत दिखाने गया था, उसने दांत चेकअप कराने. फिर उसको डॉक्टर पसंद नहीं आया तो उसने डॉक्टर बदल दिया. बात तो ऐसे करता मेरे को चिढ़ दिलाता. फिर तो जामा का चढ़े हुई बात तो बोलना क्या था? ऐसा हंस हंस के क्यों बोलता? तो ऐसे ही बोलेंगे, रो क्या बोलेगा? तुम किधर गए थे भैया? तुम बोलो ही नहीं. तुम्हारा बोल क्यों गए भैया? तुम्हारा बोलना ही बेकार है. बेबी खाना वैसे अच्छा तो होता नहीं है, बट बहुत लंबी जर्नी होती है तो बहुत ज़्यादा खाना बना भी नहीं सकते. तो ट्रेन में तो वैसे ही मैं मोस्टली दाल चावल खाती हूँ, बट स्नैक टाइम जो होता है वो मेरा फेवरेट होता है. और यहाँ पे कुछ हमको कप्स मिल गए तो हम लोग ऐसे गेम खेलने लगे और ये दोनों के दोनों कंटिन्यूसली मैच देख रहे थे, कंटिन्यूसली फ़ोन में थे. मैं बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा ही. अरे वो कोकोनट वाटर है और रबड़ी है. वो रबड़ी से क्या? नहीं, ये कोई खाते ही नहीं है. 70 चाहिए. 70 एक नारियल पानी दे दो सर. कोक चाहिए? कोक. इंस्टाग्राम में आपने रील तो देखी होगी, जैसे वाइट वाइट चादर रहती है ट्रेन में और वो भूतिया वाली रील बनाते हैं, तो वैसे ही कुछ लग रहा था. फिर भी हम लोग 3:30 बज रहे थे यहाँ पे, या 2:30 बज रहे थे रात के, हम लोग बैठे थे. और सुबह पहुँचते ही मम्मी ने मस्त सा नाश्ता बनाया था मंगोड़ी का. अगर मंगोड़ी क्या होती है नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स में जाके देख लेना. एंड फिर हम लोग तीनों गए गाड़ी से और तीनों ट्रिप्सी जैसे, और इन लोग को जाना नहीं था मेरे साथ तो इनको मजबूरी में मुझे बिठाना पड़ा. और ये लोग ऐसी भी करके मुझे स्पा में छोड़ के चला है. स्पेशली दोनों ने बोल के रखा था जो भी तुमको कराना है सब कुछ करा लो, वैक्स करा लो, फेशियल करा लो, हेयर कट ले लो, बट 1.5-2 घंटे से पहले फ्री नहीं होना. तो मैंने बोली चलो यार, पता ही है दोनों साथ में एंजॉय करने वाले हैं, तब तक मैं अपना कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट ले लेती हूँ, यानी कि थेरेपी. और उसने भाई क्या अच्छा मसाज किया फेशियल करते करते. नेहा उसका नाम है और मेरा हेयर कट किया है भीम, ऐसा कुछ नाम है उनका. तो वहाँ पे दोनों ने मुझे नाम मुझे इसलिए पता चल गए थे कि दोनों को कमेंट करना था वहाँ पे, पर्टिकुलर इंस्टाग्राम का उनका पेज था तो उन पे लिखना था. एंड उसके बाद मैंने हेयर कट कट करते करते बहुत सारे शॉट्स बनाए. वहाँ पे मैं ग्वालियर में फर्स्ट टाइम ये सैलून में आई हूँ. हेयर कट अच्छा था बट थ्रेडिंग सबसे बढ़िया की थी यही लड़की थी नेहा, उन्होंने की थी. एंड उसके बाद ग्वालियर आए और समोसे नहीं खाए, दही जलेबी नहीं खाई, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. तो फेशियल तो मैंने किया था और बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैंने स्कार्फ मतलब पूरा बांध लिया था. एंड उसके बाद मैं समोसे खाने आई थी. अच्छा, टायर्ड. ये आई शेडो पैलेट ये है मेरे पास,
मुझे शिमर चाहिए, शिमर एक डब्बे में आता है बस ग्लिटर जैसा लगता है, यहाँ पे लगाना पड़ता है, ग्लिटर ही रहता है। मेकअप का तो सामान रह गया, जो भी मुझे लेना था वो मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, बस मैं थोड़ा बहुत देखने के लिए गई थी। और यहाँ पे हम लोग शेक पीने आए थे, ये बहुत ज़्यादा याद रखने वाली जगह है मेरे लिए, क्योंकि ग्वालियर में ही मेरी सगाई हुई थी और यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह मैं आई थी मेहंदी लगवाने, कुछ खाना था तो मैं यहीं रुकी थी, तो बहुत दिन हो गए थे, हमने सोचा चलो वही पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके शेक पीते हैं और जो जो हमने खाया था वो वहीं पे जाके खाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, उसके बाद कट टू नेक्स्ट डे। तो मम्मी ने बहुत सारे यहाँ पे फ्लावर्स लगाए थे, अगर जो फ्लावर पार्ट्स टूट भी गए थे ना उसमें भी उनने इतने सारे एलोवेरा सारे फ्लावर्स लगाए थे। मैंने सोचा कुछ यूज़ में लाते हैं, वैसे तो वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिलता है, या तो टाइम मिलता है तो मेरा मन नहीं करता है। तो मैंने बालों में एलोवेरा लगा लिया और बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके, बहुत ज़्यादा बाल सिल्की एंड स्मूथ हो जाते हैं। फिर शाम को हम लोग गए थोड़ा सा घूमने और ग्वालियर में आए, चाट नहीं खाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिल सकता, जो टेस्ट है ना वो बैंगलोर में मिल ही नहीं सकता, चाहे कितने कैफ़े खोल लो रेस्टोरेंट खोल लो, ये जो पर्टिकुलर चाट्स है ना ये नहीं मिल सकते। तो यहाँ पे गुपचुप खाया मैंने, उसके बाद चाट खाई, और रोज़ ही मतलब मैं शाम का खाना स्किप कर देती हूँ, मेरे तो डाइट का बैंड बज गया। फिर उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे घूमने, तो हर जगह जो बड़ा सा मार्केट होता है तो यहाँ पे भी है ग्वालियर में, पर्टिकुलर नाम है वाड़ा, और यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें सब कुछ मिल जाएगा, मोस्टली तो गर्ल्स का ही मिल जाएगा, बट हम किसी और के लिए भी शॉपिंग करने गए थे, बहुत सारी चीजें ली वहां पे जाके हम लोगों ने। मान लेने के बाद फाइनली मेरी एक चीज तो रह गई थी, बैंगल्स, और यहाँ से सब इतना बढ़िया सजाया रहता है ना, और इतनी सारी चीजें मिलती है, जो जो मुझे बैंगलोर में सस्ती नहीं मिलती है ना मैं यहाँ से आके ले लेती हूँ, जैसे कुछ झालरें होती हैं, रंगोली होती है, बैंगल्स यहाँ पे एक से एक होते हैं, क्योंकि यहाँ से राजस्थान बहुत पास है, तो जयपुरी बैंगल्स हो जयपुरी जुत्ती हो तो बहुत ही पास ग्वालियर के पड़ती है, तो मोस्टली मैं चीज़ें ले सकती हूँ यहाँ से और लेती भी हूँ यहाँ पे आके। और इतनी प्यारा मतलब सजावट हुई थी ना, पूरा जो वाड़ा होता है बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे पूरा हम लोग घूमते हुए फिर ज्वेलरी की शॉप में भी गए थे, कुछ ज्वेलरी भी लेनी थी, और यहाँ पे ये लोग कंटिन्यूसली डिस्कशन कर रहे थे, मैं बोर हो गई थी तो मैं यहाँ पे बैठी थी बस वीडियो बना रही थी। एंड उसके बाद भी हम लोग को बहुत सारी जगह जाना था, दिवाली के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैंने कुछ दिन से सोच रखा था हर वक्त मैं आती हूँ ग्वालियर और मेहंदी नहीं लगवाती, जबकि यहाँ पे बहुत सस्ती मेहंदी लगती है, कहीं पे भी ऐसी बिठा के मेहंदी नहीं लगा सकते हो आप, पता नहीं कहीं पे लगाते भी होंगे तो मुझे नहीं पता है, बट ग्वालियर में मैंने देखा है कि यहाँ पे बैठे रहते हैं मेहंदी लगाने वाले, बहुत सस्ते में आपको बहुत अच्छी मेहंदी लगा के देंगे, वो भी बस 20 मिनट में सारी दोनों हाथ की, मतलब उसने फुल हैंड मेहंदी कंप्लीट कर दी थी, और मैंने ये मैं अपने सगाई में देखा था, तो मुझे मेहंदी लगवानी ही थी फिर से आके। एंड फिर कट टू नेक्स्ट डे हम निकले दतिया के लिए, जहाँ पे हम दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं। जाते जाते मैंने पिया गन्ने का जूस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी पापा मेरे और शुभम के लिए लिया, सबके लिए हमने खाना ले लिया फेवरेट ढाबे से, और जाते जाते फिर ऐसा लग रहा था कि चलो पहुँचते ही लाइटिंग लगानी है, तो साहब जी लग गए लाइटिंग लगाने में, और लाइटिंग के साथ तो ट्रेजेडी कुछ अलग ही हुई थी, वो नेक्स्ट व्लॉग में आने वाला है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी दिवाली अभी से ही।